बंद करो ये रोना धोना। जी हां सजनों, मैं यही कह रहा हूं, आप ठीक सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं बंद करो ये रोना धोना। बहुत से कमेंट्स ऐसे आते हैं, सर बिजनेस कैसे करें, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पापा जी बीमार रहते हैं, घर में मैं अकेला बेटा हूं, कैसे छोड़कर जाऊं उनको, हमारे पास कोई दुकान नहीं है, कोई बिजनेस पुरातन नहीं है, पहले का कोई बिजनेस नहीं है, और मेरे जिम्मेदारियां बहुत हैं। सज्जनों, ये बहानेबाजी चलने वाली नहीं है, और जब तक चलेगी तब तक आपके पापा जी मौजूद हैं, और जिस तरह की बातें आप कमेंट्स में लिखते हैं, मुझे समझ आती है कि आप कुछ करना धरना नहीं चाहते, सिर्फ रोना धोना जानते हैं। सर मेरे पास पैसे तो हैं मगर आइडिया नहीं है। अरे भाई, आइडिया सड़क पे पड़े हैं। हाँ हाँ मैं ठीक कह रहा हूं, सड़क पे पड़े हैं आइडियाज, आपको लेने की जरूरत है। कैसे पड़े हैं सड़क पे मैं बताता हूं आपको। अपनी डायरी में, एक छोटी सी डायरी अपनी जेब में डालिए और एक पेन डालिए और निकल जाइए घर से। बड़े शहर में आप यदि रहते हैं, मीडियम शहर में आप रहते हैं, अथवा किसी गांव में रहते हैं, आप किसी ऊंचे परिवार से हैं, आप किसी कमजोर परिवार से हैं, आर्थिक आधार आपका बहुत ऊंचा है और आर्थिक आधार आपका निम्न स्तर का है, आप आर्थिक आधार आपका मिडिल क्लास का है, तो भी मैं कहूंगा ये आइडिया सड़क पे मिल सकते हैं आपको, और वो डायरी लेकर के, पेन लेकर के आप निकल जाइए सड़क पे और जाइए बाजार में, जहां भीड़ भाड़ वाला अड़ंगा है, जाइए बस स्टैंड पे, उसके आसपास में जाइए, हॉस्पिटल्स के आगे जहां भीड़ रहती है, और वहां देखिए सड़क के ऊपर ठेले वाले कैसे कमा रहे हैं, सड़क के आसपास दरी बिछा करके, या यूं कह सकते हैं टाट पट्टी बिछा करके लोग कैसे कमा रहे हैं। वो कमाने की जगह है नहीं है, सरकार भी इस बात का विरोध कर रहा है, मगर बुभुक्षितम किम न करोति पापम, भूखा आदमी क्या पाप नहीं कर सकता, करना पड़ता है उनको। देखिए वहां बहुत से ऐसे बिजनेस आइडियाज हैं जो आपको मिल सकते हैं, खड़े रहिए आप उनके सामने 15 से 20 मिनट एक एक के सामने दूरी बना करके, और देखिए उनकी काम करने की कला, देखिए उनका सेल करने का तरीका, और देखिए उनका प्रॉफिट कमाने का तरीका। और सज्जनों, कुछ आदमी तो पार्ट टाइम जॉब करते हैं, ये वो सुबह 6 बजे उठते हैं और 6 बजे उठ के दांतुन जो जिससे अपन दांत घिसते हैं, वो नीम के पेड़ की तोड़ के लाते हैं, 100 दांतुन तोड़ के लाते हैं, 100 दांतुन, और दांतुन की लंबाई क्या होती है आपको पता हो तो, 1 बिलान यानी 9 इंची के लगभग, ऐसी वो 100 दांतुन तोड़ के लाते हैं, और सड़क पे अखबार बिछा लेते हैं, और अखबार बिछाकर 1 दांतुन 5 रुपए, 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 ऐसा 100 बार बोलते हैं। और सज्जनों, एक ही नियत जगह पर जाके खड़े होते हैं वो 6:30 बजे, 6 बजे, 5 बजे, 5:30 बजे, और 1 घंटे में उनकी 100 दांतुन बिक जाती हैं। कितने रुपए कमा लिए? 500 रुपए। ध्यान दीजिए मेरे शब्दों को, और 500 रुपए मतलब 15,000 रुपए महीना के, और उसके बाद में घर आते हैं, और घर आके जिस नौकरी को करने जाते हैं वो वहां उनको मिलते हैं 10,000 रुपए महीने के। सज्जनों, 15,000 रुपए महीने के कमा रहा है दांतुन बेच के सिर्फ 1 घंटे में, और 10,000 रुपए महीने के कमा रहा है 30 दिन 9 घंटे नौकरी करके,
और रात को फिर आता है और रात को 9 बजे वो एक ऐसा ही और बिजनेस किसी सड़क के किनारे खड़ा होकर के 9 से 10 के बीच में और करता है। सज्जनों 5,000 रुपये, 7,000 रुपये, 10,000 रुपये महीना उससे कमाता है। क्यों कमाता है? उसको अपना बड़ा बिजनेस करना है, उसको नौकरी नहीं करनी है हमेशा, वो नौकरी टाइम बीइंग करता है और इस एक्स्ट्रा कमाए हुए पैसे को सेविंग करता है, बचत करता है, ताकि आगे भविष्य में उसका भविष्य सुंदर हो सके। अभी उसकी 21 साल की उम्र है और 25 का होते होते वो अपने बिजनेस को स्टेबल कर लेगा। क्यों कर लेगा? पैसे की कमी नहीं रहेगी उसके पास में। ये जो 5 साल का टाइम है, 4 साल का टाइम है, वो इतना धन इकट्ठा कर लेगा कि उसमें वो आराम से अपने बिजनेस आइडियाज का कोई बिजनेस कर लेगा। सज्जनों आप भी ऐसा कर सकते हैं। और यदि इतना भी नहीं करना चाहते आप, तो 200 से अधिक वीडियोज बना चुका हूं मैं इस चैनल पे, जिसका नाम SN शर्मा मोटिवेशनल स्पीकर है। सब्सक्राइब कर लीजिए इसको, बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए और प्रतिदिन नोटिफिकेशन के द्वारा जो मैं वीडियोस देख भेजता हूँ उनको देखिएगा, समझिएगा, सोचिएगा, एक एक पॉइंट आउट कीजिएगा कि कौन सी बात आपके बिजनेस के लिए सही है और बिजनेस कीजिएगा, तभी आप बहुत कुछ कर पाएंगे। इसलिए मैं कहूँगा रोना धोना बंद करो, काम करना शुरू करो। यदि आप ऐसा करते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। नहीं तो मैंने ऐसे आदमी सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में देखे हैं जो जीवन भर रोते धोते ही रहे हैं, कुछ नहीं किया। मैं नहीं चाहता आप भी उस लिस्ट में शुमार हों। धन्यवाद।